देखो एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए यह आखिरी चांस है आपको वोट देने का, इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद में चुनाव उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना लेंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। क्योंकि पहले तो गुलामगिरी करके आए ब्रिटिश के जमाने में, और ये एससी एसटी ओबीसी वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, अरे हमारा देश तो गुलाम था, लेकिन आप लोग गुलामों के गुलाम थे। क्योंकि जितने अमीर थे, अमीरों के पास इनो काम करते थे गुलाम। अमीर लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, तो वो एक के गुलाम और ये गरीब लोग गुलाम के गुलाम उनके पास काम करते थे। इसलिए सोचो भाई, फिर से आप गुलाम बनना चाहते हो? फिर से आप शिक्षण से दूर रहना चाहते हो? फिर से आप जो आपको हक मिला है नौकरी का, वो जो छीन ले रहे उसको आप मानते हो? देखो देश में आज भी 30 लाख वैकेंसीज है, और 30 लाख वैकेंसीज मोदी भर रहे हैं। रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, पब्लिक अंडरटेकिंग में है, टीचर्स में है, सेंट्रल स्कूल्स में है, सैनिक स्कूल्स में है, ये सब में है। तो 30 लाख लोगों को भरने का काम आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इसमें एससी एसटी ओबीसी ये लोगों को हिस्सा मिलेगा, वो लोग नौकरी आएंगे, वो लोग नौकरी के पक्के हो जाएंगे, तो इनको जैसे थे 1947 के पहले वैसा ही रखने के लिए मोदी जी ये चाल चल रहे हैं। और एक बात मैं कहूंगा, एक मोदी साहब की एक आदत है झूठ बोलना। आप कोई दूर दूर रह के कोई बीजेपी या बीजेडी के लोग सुन रहे हैं, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किसने किया? अब कम से कम 20 करोड़ नौकरियां होना था, दिए आपको नौकरी, फिर बोल रहे हैं आज पेपर तो आप रोज पढ़ते हैं, पेपर में हेडलाइन क्या है? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरियां नहीं देना। ये मैं झूठ बोल रहा हूं? उन्होंने बोला 15 लाख काला धन बाहर से लाके आपके जेब में डालूंगा। डाले? फिर कौन झूठ बोल रहे? अरे जोर से बोलो ना, कौन झूठ बोल रहे? मैं झूठ बोल रहा हूं? राहुल गांधी झूठ बोल रहे? सोनिया गांधी झूठ बोल रहे? अरे आप तो, आप बोले सो बात, हम अगर बोलते
तुमको थोड़ा खिचखिचाहट होती है। आपने ही कहा, हम नहीं कहे, किसान की आमदनी दो गुना करेंगे। किसने बोला? मोदी किया। फिर झूठ कौन बोले? और झूठों के सरदार उन्हों हो गए कांग्रेस को गालियां देते। कांग्रेस क्या कर रही है? अरे हमने तो ये सब किया, बहुत कुछ है मेरे पास, वक्त कम है क्योंकि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको कम कर रहा हूं। ये आपने किया, हमने क्या किया? गरीब को काम मिलना, नरेगा योजना लाई, गरीब का पेट भरना, कम से कम बच्चों का, गरीब का एक दिन की रोटी तो उसको मिले, एक दिन का चावल तो मिले, तो इसीलिए मनरेगा स्कीम भी लाए और फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लाए। आपने क्या किया? मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहा हूं। अरे भाई, फ्री देने से पहले कौन दिए? कांग्रेस दिया। अब 5 केजी बढ़ा के उसमें रख के है, मैं इतना फ्री राशन दे रहा हूं देश के लोगों को, मैं हमारे माताओं को मैं पेट भर रहा हूं। अरे मनरेगा हमने किया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्या बोलते हैं उसको, अन्न सुरक्षा कानून हमने किया, और बच्चों को पढ़ाई के लिए हमने फ्री एजुकेशन किया, ये सब हमने किए। फिर भी मोदी जी झूठ बोलना नहीं गए, उनके आदत है, पाप आदत से मजबूर है। अगर मोदी जी और पटनायक, यहां के चीफ मिनिस्टर, मिलके काम करके अगर आपको खुशहाली के तरफ ले जाते हैं तो ठीक बात है, लेकिन दोनों मिलके और क्या किया? यहां ओडिशा से बहुत से हमारे नौजवान बच्चे बेंगलुरु जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बंबई जाते हैं, दूसरे तरफ जा रहे हैं। क्यों क्यों? तुम क्या कर सो रहे हो? आप नहीं सुनते? इतने बच्चे, इतने लड़के, इतने लड़कियां जो बाहर जा रहे हैं, छोटी सी नौकरी करते हैं, और तुम उनको भगा रहे? उनकी बात आप उनकी बात इसलिए नहीं करते हैं, वो गरीब है। आप किसकी बात करते हैं? अदानी की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, टाटा बिरलाओं की बात करते हैं, लेकिन छोटे लोगों की बात कर। अमीर और गरीबों के बीच में है, हम गरीबों को साथ दे रहे हैं, देने वाली सरकार या अमीरों के साथ दे रहे हैं। सब लोग मिलके काम कीजिए। इन्होंने पटनायक भी बोले, मैं हर एक ब्लॉक में 35% इरिगेशन करूंगा। सच्चे नहीं? इन्होंने 11 और 12 और 20 साल से वायदा अधूरा है। सबसे ज्यादा कांस्टेंट आपको, आपकी गवर्नमेंट तो कभी नहीं गई ना, कंटिन्यू है। फिर कंटिन्यू गवर्नमेंट को यह काम करने के लिए क्यों नहीं हो रहा है, मैं पूछता हूं। और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज भी बोले आप, 314 ब्लॉकों में कोल्ड स्टोरेज सुविधा मिलेगी। अब 20 साल हो गए, कितने मिले मुझे मालूम, तुम्हारे गांव में मिले? अरे ये 314 ब्लॉक में कोई किसी, आप किसको तो मिला होगा? 300 लोगों को तो मिला? नहीं भाई, 100 को तो मिला होगा? नहीं, 200 को तो मिला होगा? नहीं तो 14 को तो मिला होगा? ऐसा कैसा होता भाई, इतना झूठ बोलते हैं आपके चीफ मिनिस्टर? तो आप सोचो, अरे भाई एक आदमी ऑफिसर को ला के बिठा के आप गवर्नमेंट चलाते हो क्या? यहाँ के नेता लोग
जिंदा नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। अरे ओडिशा के ऑफिसर्स, ओडिशा के लीडर देश को मार्गदर्शन कर सकते हैं। तुमको मार्गदर्शन करने के लिए बाहर का आदमी चाहिए? क्यों? क्योंकि आपकी खुशामदी करते फिरता है। और उसकी क्या जरूरत है भी? तुम्हारे पास बहुत लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत से आईएएस भी है, आईपीएस भी है, और ये अब खेती भी अच्छी हो रही है, राइस भी यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। इतना रहते हुए भी एक ऑफिसर के पीछे गिरे, उनको कुछ बना है ना? ऑफिसर रात खाली चला रहे सर, कुछ नहीं किया। नहीं भाई, उनको कुछ राज्यसभा मेंबर बनाए है क्या, एडवाइजर बनाए क्या है? तो एक आदमी बाहर का आके एडवाइजर बनता। तुमका एडवाइस नहीं चाहिए उनको, तुम अच्छी बात जो कहते हैं वो नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही आदमी चाहिए जो तमिलनाडु का केडर का आईएएस ऑफिसर है, वो आए तो बस। और मैं और एक बात आपको कहता हूं, क्योंकि बहुत देर हो गई, यहां पर जो उड़ीसा में कम से कम हजारों वैकेंसी है सरकार की, ओडिशा में 45 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार है और 2,36,000 पद विभिन्न सरकारी विभागों में खाली है। हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2,36,000 नौकरियां खाली है। देव भाई नौकरियां, जब 45 लाख नौजवान लोगों को नौकरी नहीं, कम से कम 2 लाख तो दीजिए। ये आंकड़े मेरे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये मैं नहीं बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे को पार्लियामेंट में कहती है उसका हमने नोट कर लेके आए हैं। और हमको मत सिखाओ कैसा चलाना, कैसा बोलना, कैसा, ये इनकी एक चाल है गरीबों को तंग और तबाह करना और पार्टनरशिप में गवर्नमेंट चलाना, ये उनका एक हमेशा एक बहुत बड़ा ये साजिश है। और कई लाख लोग, कई लाखों रुपए लूटे गए माइंस में, 20,000 करोड़ रुपए चिटफंड में गए, गए या नहीं गए? तो अब आप ही सोचिए, इनको फिर से अधिकार देना क्या, फिर से यहाँ के एमपीज को फिर आप वोट देकर फिर मजबूत करेंगे, करप्शन को मजबूत करेंगे, गरीबों को तबाह करने वालों को मजबूत करेंगे, गरीबों के हकूक छीनने वालों को आप मजबूत करेंगे? इसीलिए आपसे मैं आपको एक ही निवेदन करता हूं, और हमारे जो महिलाएं हैं उड़ीसा के गरीब काम करने वाले, और वो तो महंगाई आप बेचारों गरीबों को मालूम होती है, दूसरों को महंगाई की मार नहीं गिरती है क्योंकि वो अमीर है, कितना बोले उतना लाता, पूछता भी नहीं अपना नौकर कितने में खरीदा, सीधा कोई लाता है घर भर लेता है। लेकिन इसकी मां तेल आटा और बाकी के जो किराने के सामान है, दाल है, पल्सेस है, ये खरीदने वालों को मालूम होता है कितना महंगा है, उसको कितना पैसे देना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं हम हमेशा पार्लियामेंट में भी उठाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का उठाते हैं, किसानों के बारे में भी हम उठाते हैं, लेकिन मोदी जी इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। 146 एमपीज को उन्होंने सस्पेंड किया, बाहर डाला, और जो कानून थे, जो गैर कानून थे,
जो ठीक नहीं थे, पब्लिक के लिए ठीक नहीं थे, वो जो हम लड़ रहे थे, वो लड़ने वाले लोगों को एक एक करके 146 लोगों को बाहर निकाल दिए। अरे ऐसी डेमोक्रेसी चलती, सबको बाहर निकाल के अगर आप अपनी सरकार को चलाते हैं, आगे सबको वोटिंग पावर भी आप नहीं देते, बंद करके अपने रशिया के पुतिन के जैसा आप चलेंगे। तो भाइयों, मैं एक ही आपको विनंती करता हूं कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ये चार मुद्दों पे हमारा जो संविधान खड़ा हुआ है, इसको आप मजबूत करो, इसके लिए लड़ो और हम आपके साथ हैं, आप डरो मत। अब राहुल गांधी को डराने की बहुत कोशिश हो गई, क्या डर गए? हमारी यात्रा निकली मणिपुर से, मणिपुर से गया असम, नागालैंड, नागालैंड से मणिपुर, असम, असम से अब निकला वेस्ट बंगाल और उसके बाद बिहार, झारखंड, सब बात है आगे। तो ये जो हम कर रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं ना, जनता के जो समस्या है उसको हम हाईलाइट करने के लिए हम कर रहे हैं। तो इसीलिए भाई, ये समझिए, सोचिए, और जो एक नौजवान लीडर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलता है जनता के समस्याओं को छुड़ाने के लिए, उसको साथ देना हम सबका कर्तव्य है। और बैठ के खाने वालों को आप सपोर्ट करेंगे, या जो आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक चलने वाले, तुम्हारे समस्या को हाईलाइट करने वाले को आप मदद करेंगे, बोलिए। तो इसीलिए मैं आप सबसे एक ही मेरा अपील है, आने वाले चुनाव में आप कांग्रेस से लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जरा ठीक है, बाद में जरा उतरने दो, उसके बाद में ठीक हो जाए। तो इसीलिए जो चंद लोग कर रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति जाने से गठबंधन कमजोर हो गया, अब भाई देश में किसी एक व्यक्ति जाने से देश कमजोर होता है नहीं, वैसा ही एक दो व्यक्ति जाने से गठबंधन कभी कमजोर नहीं होता, हम उभर के आएंगे, एक है, सब मिलके काम करेंगे, ये बीजेपी को, पटनायक जी को हम हराएंगे, और ये चले गए तो भारत शुद्ध होता है, और जब शुद्ध होता है नए सिरे से काम करेंगे, प्रोग्राम लाएंगे, आपके दुख और दर्द को समझ के हम कदम उठाएंगे। इतना कहते हुए मेरे चार शब्द को समाप्त करता हूँ, जय हिंद, जय ओडिशा। और